हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग का है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं चैनल में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी चैप्टर 10 में आएंगे। NCERT बेस और अदर स्टेट बोर्ड के लिए कंप्लीट सोल्यूशन इस चैप्टर में मिलेगा। अगर आप लोग चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलने वाली है। तो इसलिए आपको जो है कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बट सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है ऐप पे, और साथ ही साथ जो है कंप्लीट सारे क्वेश्चन आंसर को देखना है, और एग्जाम आप 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन जो है कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा आपको बताना है। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे, अदरवाइज अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो बाद में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके इससे प्रैक्टिस हो जाए। सो फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, सो क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सर्वेक्षक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन जो है कौन था, सर्वेक्षक था एक। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, सो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनार्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी एनार्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जो है जनजाति के बारे में पता चलता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, अगर बताया तो बता सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संथाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संथाल, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर करा है। संथाल विद्रोह का नेता था, इनमें से कौन था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे अच्छे से ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी सिद्धू और कन्हू। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह का नेता जो था वो कौन था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2012, 15, 16 इसके अलावा भी पूछे गए हैं, याद रखेंगे। इसको क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिद्धू और कन्हू। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर फाइव कराए कि किस रिपोर्ट का संबंध जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे बता पा रहे तो जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। बाकी आपका नीचे दो ऑप्शन है और यहाँ पे दिया हुआ पांचवी रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। सो फाइनल जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी पांचवी रिपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी बता रखा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स कराए कि रैयतवाड़ी, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए देख पा यहाँ पे कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रक्रिया सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे पाँचवीं रिपोर्ट। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाँचवीं रिपोर्ट। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका सिक्स करा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो है इनमें से कौन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुनरो एवं रोड। क्या जाएगा? मुनरो एवं रोड। ठीक है, चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर सेवन करा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। मैं आपको आपको जोड़ा सही लगाना है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो सेवन नंबर क्वेश्चन को आप चित्र से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है भील विद्रोह इसका 1825 दिया हुआ, उसके बाद सेवरम है, उसके बाद अहोम विद्रोह 1828 जो कि गोमधर कुंवर है, उसके बाद मुंडा विद्रोह जो कि 1899 में जिसको मुंडा बिरसा मुंडा द्वारा लिखा गया, तो यानी सभी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग? चलो बहुत अच्छा, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट कर रहा है कि महलवारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा वो जो है लागू किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो देखेंगे अच्छे से ऑप्शन को। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट का, चल जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? मार्टिन वर्ड। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर नाइन कर रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, तो याद रखेंगे इसका नाइन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। ठीक है, चलो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दमिनिको जो है वो क्या था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे,
सो बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे एक जो है भूभाग था, क्या था, एक भूभाग याद रखना आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कौन वाले स्कोर जो बना, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए, 2015, 2017, 2010 और भी इसके अलावा पूछा गया, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1793 में चलेगा ऑप्शन नंबर बी 1793। याद रखेंगे कौन वाले स्कोर जो बनाया था, अगर एग्जाम में पूछ दी तो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1793। चलो आगे देख लो क्वेश्चन में, यहाँ पे 12 कह रहा है कि इस भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ जो 1881 में किस जो है गवर्नर जनरल के काल में हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए अच्छे से और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। सो देखो 12 नंबर क्वेश्चन है जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे रिपन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी रिपन। ठीक है याद रखना आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए तुरंत। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 13 का है कि दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है अच्छे से देखिए कौन सा ऑप्शन से होगा 13 नंबर क्वेश्चन का, दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ। सो देखो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1875 में, कब 1875 याद रखना। चलिए आगे देख लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। सो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी पांचवी रिपोर्ट बुकानन की रिपोर्ट एंड दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, यानी सारे सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है कि सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषकों जनजातियों की स्थिति का पता चला, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही सम्मिलित है। सो देखिए यहाँ पे कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल बिहार उड़ीसा, उसके बाद फिर यहाँ पे महलवारी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत एवं पंजाब, और यहाँ पे फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास उपयुक्त सभी सही है, तो यहाँ पे 15 का डी सही जगह उपयुक्त सभी सही है। याद रखेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको सही ऑप्शन डी करना है, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो है ये संबंधित है बंगाल बिहार उड़ीसा से, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रांत एवं पंजाब से संबंधित है, और रैयतवाड़ी जो है वो बम्बई एवं मद्रास से। एग्जाम में कई बार अलग अलग से पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त जो वो किस चीज़ से संबंधित है, आपको यहाँ पे जो किसी एक स्टेट का नाम दे दे तो आपको बंगाल लगाना है, या फिर बिहार दे दे और ये दोनों स्टेट ना दे तो बिहार का देना। ठीक है इस तरह एग्जाम में आपको कई बार इस तरह एग्जाम पूछे, तो एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहला तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे इससे जो है 3 क्वेश्चन बन सकता है, फिर उससे इससे तीन क्वेश्चन यानी 3 या 9 क्वेश्चन हो गया, एक बार से इससे 10 क्वेश्चन। ठीक है तो आप सोच सकते हैं एक क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन छिपा हुआ है, और ये 100% है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे आपको पूछ दे रैयत और व्यवस्था किस कहाँ से संबंधित, तो आपको रख देना है बम्बई या मद्रास, या फिर पूछ दे आपको महलवाड़ी तो याद रखना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं पंजाब, अगर पूछ दे अस्थाई तो बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक है तो ये चीज़ आपको गारंटी याद रखना है, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है 1832, 1841, 1851 या फिर 1855, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं 2012, 2015, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 ये देखो कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1855, कभी कभी यहाँ पे 1855 से 1856 भी रहता है, याद रखेंगे इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 17 कराया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वो क्या था, तो ये काफ़ी जो है लॉन्ग टाइप के आपको इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि डबल ऑप्शन है, कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना, देखो यहाँ पे पता चल जा रहा है कि भारत का विकास करना ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये तो सही है कच्चा माल प्राप्त करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, चलो ये भी सही है, भारत में शिक्षा का प्रसार ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कौन सही है एक और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो देखो एक और 3 कहाँ पर है, तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी ये ऑप्शन गलत है, 1, 2, 4 ये भी गलत है, यानी क्या होना चाहिए 1 सही होना चाहिए और 3 सही होना चाहिए। नीचे में देख लेते ऑप्शन, और यहाँ पे हाँ देखो ये है यहाँ पे 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया, अच्छे से ऑप्शन को एक बार देख लो यहाँ पे, इसमें भी उसी तरह के डबल टाइप के ऑप्शन है, उम्मीद है कि ये जो है आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछाएंगे। देखो फिर भी देख लो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो अच्छे से एक बार पढ़ लो,
राइट ऑप्शन इसका आपका दो नंबर सही होगा, आयात में अत्यधिक वृद्धि से, एंड चार नंबर यहाँ पर सही है, जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि से, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से ये नहीं है, और विदेशी सामानों में करीब प्रति क्या कहते हैं स्पर्धा, ये भी गलत है। माने दो और चार, तो दो और चार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है याद रखेंगे। यानी यहाँ पे जो अंग्रेजों जो सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया, तो पहला बर्बाद किया कि आयात में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, और दूसरा जूट जैसे नकदी फसलों में उत्पादन की वृद्धि से, इससे जो है बर्बाद किया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। उल गुलाल विद्रोह पूछे तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल आपको डी मार देना, बिरसा मुंडा, क्या मारना है बिरसा मुंडा, काफी बार कन्फ्यूज होते हैं सिद्धू मारते, सिद्धू नहीं है, ये जो है आपको बताना चाहिए संथाल विद्रोह का, कभी कभी संथाल विद्रोह पूछते तो वहाँ पर बिरसा मुंडा मारते, तो आप लोग तो ये गलती मिस्टेक नहीं करना है, एक बार समझ लेना। उल गुलाल पूछे तो फिर क्या मारना है बिरसा मुंडा, एंड संथाल पूछे तो सिद्धू, यानी 100 से संथाल होता है ना, उसी तरह 100 से सिद्धू होता है, ये चीज़ आप लोग को कन्फर्म कर लेना है। चलो वेरी गुड, कन्फर्म। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कह रहा है रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो कौन होता था, देखो रैयत वाली व्यवस्था में पूछता है तो जो है भूमि का स्वामी जिसको मालिक कहते हैं उसका हकदार कौन होता था, तो याद रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी किसान, ठीक है, जमींदार को भूमि का ये नहीं था जो उसमें किसान करते खेती करते, बस रैयत वाली व्यवस्था ऐसा था जिसमें जो खेती किया किसान किया वही उस जमीन का मालिक हुआ करता था, यानी उसी का हक चलता था, तो ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है वेरी गुड। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा अस्थायी बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था वो किस चीज़ से, वैरन हेस्टिंग से, उसके बाद वेलेजली से, यानी किसके काल में ये अस्थायी बंदोबस्त हुआ, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ कौन सा गवर्नमेंट उस समय था, तो याद रखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस, ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस से, याद रखेंगे एग्जाम में कई बार इस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 22 का कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो वो कब हुई थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो क्या करा कि 1600 ईस्वी, 1605, 1610 एंड 1615, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1600 ईस्वी, ठीक है चलो बहुत अच्छा। आगे देख लो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 करा कि अस्थाई बंदोबस्त जो वो कहाँ लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन में देखिए, बताया था ना आप लोग को थोड़ी देर पहले, अभी बताए थे आपको, क्या बताए थे कि एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपका तीन बन रहा है ऑप्शन से, तो तीन ऑप्शन था 9 और एक और क्वेश्चन था 10, तो उसी से आया ना भी एक क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो क्या हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त बंगाल था, बिहार था, और यहाँ पे तो बिहार है ही नहीं, बाकी मुंबई पंजाब है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, बंगाल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 करा है कि महलबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, देखो पूछे ना क्वेश्चन है, बताया आप लोगों ने कि अभी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो महलबाड़ी के बारे में बता चुके हैं किससे मिल रहा था वो, अच्छा ये किसने लागू की गई है, बट ये पूछता है कि महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे लॉर्ड बेंटिक, क्या हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक, देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 करा किसको जो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, और देखो ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए, दे एग्जैक्ट बार 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में, 2018 में पूछा गया, इसके अलावा पूछा गया, याद रखें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा रहे हैं, तो इसको आप हल्के में मत लेंगे, एकदम अच्छी तरह से इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो आगे देख लो आगे क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे यहाँ पे 26 आ चुका है, और क्या कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, याद रखेंगे काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन है, पुर्तगाली था ना, सबको पता होना चाहिए पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आया था, जो कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, वही आए थे 1498 में, ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवाने जो किसने प्रदान की, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ की कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी, यानी क्या कहते हैं आपका इंग्लैंड की कंपनी है, और ये कहाँ किस मकसद से कहाँ पर आया था, तो ये जो है हिंदुस्तान पर आया था,
अपना जो है बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो ये बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो देखिए ध्यान से 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, देखिए अभी पूछे ना, बताया ना आप लोगों को, एक कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और कभी क्या पूछ भी दिया है और एग्जाम में अक्सर आता भी है। तो कौन था? कोलम्बस तो नहीं था, रियो डी नहीं था, बल्कि था कौन? तो वास्को डी गामा, जो कि पहला पुर्तगाली था। वन मिनट, वास्को डी गामा सही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात। तो 28 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँ, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको इसको कंप्लीटली रिवीजन करना है, सारे नोट्स पीडीएफ जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और चेकआउट करो। साथ ही साथ बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।